अपना कुनबा तो देखा नहीं जाता, सारा अलायंस पार्टनर भाग गया। दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर था भाजपा का, अब वो भी भाग गया। तो बीजेपी के लोगों की ये साजिश है कि नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल किया जाए, और उन्होंने तो सारी बात स्पष्ट कर ही दी, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होते, तो बेकार की बात है। नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। नीतीश कुमार के विश्वसनीयता को लेकर इन दिनों खूब सवाल उठ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन जो है बिहार में वो एक बार फिर से टूट सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है इन तमाम सवालों को, इन तमाम जो बयान आ रहे हैं, इन सबको खारिज करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। तेजस्वी जी, बिहार में हलचल तेज है नीतीश कुमार को लेकर के, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, कुछ जो मीडिया में एक जो विशेष वर्ग है और बीजेपी के लोगों की ये साजिश है कि नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल किया जाए, और उन्होंने तो सारी बात स्पष्ट कर ही दी, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होते, तो बेकार की बात है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें आ रही हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पिछले साल 9 अगस्त को हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम बिहार में तो एक हुए ही हैं, लेकिन देश भर में लोगों को एक करेंगे, उस पर हम लोग सफलता पाएंगे। और हम लोगों की इच्छा यही है, जो लोग सत्ता में अभी काबिज हैं, जो दंगा फसाद कराते हैं, इनको जो है इन सत्ता से बेदखल करना है। इसलिए हम लोग एक हुए हैं और पूरी ताकत के साथ एक साथ जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, गिरिराज सिंह का बयान आया कि आरजेडी पर दबाव बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार इस तरह से कुछ सिग्नल दे रहे हैं। कोई नहीं, वो सब बेकार की बात है। इन लोगों असल में बहुत दिन से बहुत लोग टीवी पे आया नहीं है, तो कुछ ना कुछ बोल करके आ जाए। अपना कुनबा तो देखा नहीं जाता, सारा अलायंस पार्टनर भाग गया। दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर था भाजपा का, अब वो भी भाग गया। एक सीट तो बचा को कौन है? के सवाल है सर कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के पेंच फंसी हुई है, कांग्रेस नाराज चल रही है। कहाँ बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कौन आपको खबर देता है? हाँ, अरे आप लोगों को बैठा करके अब अगले बार किया जाएगा। तो आपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुना, जो ये कहते हुए नजर आए कि हम लोग शपथ लिए हैं कि बीजेपी को कैसे केंद्र की सत्ता से हटाना है, और नीतीश कुमार की छवि को जो है खराब की जा रही है, उनकी छवि जो है इतनी अच्छी साफ सुथरी, उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके का बयान देते हुए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार से कल भी जब एनडीए में जाने के सवाल पर जब बातचीत किया गया, तो नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आए थे कि यह सब फालतू बात है, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसा कि आपने सुना भी होगा। जिसके बाद एक बार फिर से तेजस्वी यादव भी दिल्ली में कहे हैं कि ये सब जो है नीतीश कुमार की छवि को खराब करने के लिए कहा जा रहा है, ये सब फालतू बात है, इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। साथ ही उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर भी कहा है कि जब सीट शेयरिंग होगी तो आप सब लोग रहेंगे, तभी सीट शेयरिंग पे बात की जाएगी। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।